नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और अब हम बहुत सारी ऐसी खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो आपके रोजाना के दिनचर्या से और आपके साथ जुड़ी है, आपके आपको बहुत हद तक वो प्रभावित करती है, चाहे वो राजनीतिक से जुड़ी हो या फिर सामाजिक कोई जरूरत हो, हर एक चीज से जुड़ी हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रावण मास की, क्योंकि श्रावण मास का यह आखिरी सोमवार है और इसके 3 दिनों बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार होगा यानी कि पूर्णिमा हो जाएगी, उसके बाद से श्रावण मास खत्म हो जाएगा। तो सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है, तो इसको लेकर शिवालयों में भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। झारखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं, वहीं श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अगर देवघर की बात कर लें तो देवघर के बैद्यनाथ धाम, दुमका के बाबा बासुकीनाथ और रांची के पहाड़ी मंदिर, जो कि सबसे प्रमुख शिवालय माने जाते हैं राज्य के, वहां पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है जो बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में तो रात से यानी कि रविवार को रात से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, कतार लगनी शुरू हो गई थी। शिव भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे थे कतारबद्ध होकर और अपनी बारी का इंतजार करने लगे थे। अर्घा सिस्टम से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। देवनगरी पूरी तरह से कावरियों से पटी हुई है, हर तरफ केसरिया रंग ही नजर आ रहा है। बम बम भोले के नारे वातावरण को भोलेमय बना रहे हैं, शिवमय बना रहे हैं। सोमवारी की भीड़ को देखते हुए रांची के पहाड़ी मंदिर वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कड़ी सुरक्षा है। तो वही देवघर में भी चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए, पूरे 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला अब धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर, क्योंकि अब श्रावणी मास का आखिरी सोमवार आज है। वैसे में अब श्रावणी मास के खत्म होने में महज 3 दिन, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की यह सोमवारी है। और देखिए, सोमवारी के दिन की अगर बात करें तो सोमवार का महत्व तो होता ही होता है, और जब श्रावण का सोमवार हो और वो भी आखिरी, तो वो उसका विशेष महत्व माना जाता है कि आपने अगर पूरे महीने भी भगवान की भक्ति नहीं की, शिव से आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो आखिरी सोमवार को अगर आप पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान तो सावन के अंतिम सोमवार, और ऐसे में आज के दिन महादेव के कुछ खास बीज मंत्रों का जप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यही कारण है कि इस मास में कुछ उपायों को अपनाने से धन समृद्धि और वैभव में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं सावन के अंतिम सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो आज का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि श्रावण मास है, श्रावण मास की अंतिम सोमवारी है, साथ ही शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि है। जाहिर सी बात है, सोचिए कितना बेहतरीन एक संयोग बन पा रहा है। एकादशी का दिन भी है, श्रावण मास है, अंतिम सोमवारी है, यानी कुल मिलाकर अगर भक्त चाहें तो अपने भगवान से सीधा जुड़ रहे हैं, इतनी बेहतर। और चलिए हम रुख कर लेते हैं बाबा बैद्यनाथ का, जहां पर देवघर में हमारे सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे, वहां से वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए और क्या वहां पर माहौल है ये बताने के लिए सीधे दीप नारायण के पास चलते। दीप नारायण, आखिरी सोमवार श्रावण मास की, श्रावणी मेला अब अपने समापन की ओर बढ़ता नजर आएगा, एकादशी भी है, तो ऐसे में कितना उत्साह है शिव भक्तों में, बाबा के भक्तों में? जी बिल्कुल, देखिए 2 साल के बाद बाबा के भक्त जो है, भोले के भक्त है, उन्हें बाबा मंदिर आने का मौका मिला है, बाबा के दर्शन करने का मौका मिला है। और आज चूंकि सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है, एकादशी का संयोग है, ऐसे में भक्तों का जन सैलाब उमड़ना बिल्कुल लाजमी है। और बाबा नगरी पूरी जो है वो गेरुआ वस्त्र में अब एक तरह से सराबोर है और बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। सबसे पहले वैसे भक्त जो बाबा धाम नहीं आ पाए, उनके लिए ये तस्वीरें खास है, आनंददायी है और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है। ये बाबा मंदिर का परिसर है जहाँ पर हम अपने दर्शकों को न्यूज 11 के माध्यम से यह विशेष तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देख लीजिए।
कि आपकी नजर जहां तक भी जाती है बाबा भोलेनाथ के भक्त आपको नजर आएंगे। यहां पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहे हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई माता पार्वती और शिव मंदिर के बीच गठबंधन करा रहा है, और कुछ लोग यहाँ माता को चूड़ी और तमाम चीजें जो उनको चढ़ती है वो है। आपको बता दें जानकारी के लिए अपने भक्तों को कि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है, शिवालय है, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान होते हैं। क्योंकि इसे हृदय पीठ कहते हैं, माता सती का हृदय यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। और विश्व का इकलौता मंदिर है जो कि शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। ये तमाम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दाहिने साइड आप देख सकते हैं कि ये निकास द्वार है, जहाँ से भक्त जो अर्घा सिस्टम के जरिए जलार्पण कर बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद मंदिर के परिसर और उमा भवन में लंबी कतार में खड़े रहकर ये बाबा भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो पार्वती मंदिर में माता पार्वती के दर्शन कर रहे हैं। ये तमाम अलौकिक दृश्य है जो बाबा मंदिर के प्रांगण से हम सीधे अपने भक्तों को दिखा रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं को दिखा रहे हैं, न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है। एक सुखद क्षण ये है कि आज सावन की चौथी सोमवारी है, जिला प्रशासन की मान ले बात या पुलिस प्रशासन की, इनकी सीधी कोशिश यही रहती है कि भक्तों को कितनी सुगमता पूर्वक ढंग से इन्हें दर्शन और जलार्पण करा दिया जाए। एक अनुमान लगाया जा रहा है देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार कि जिस तरीके से 4,500 प्रति घंटे के श्रद्धालु दुम्मा बॉर्डर में एंटर किए थे, ऐसे में 1,70,000 के करीब आज चौथी सफारी को भक्त यहाँ पर जलार्पण करेंगे। और देवघर एसपी, क्योंकि उनको बता दें उनको मैनेजमेंट जरूर कहा जा रहा है, ये भी आता दिख रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था, जब सोमवारी का दिन आता है इस दिन प्रशासन की ओर से ये तय कर दिया जाता है कि रात से ही जो है शिवभक्त कतार में लग जाए। तो क्या रात से ही कतार शिवभक्तों की लग गई थी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, तकरीबन न्यूज 11 के संवाददाता जो दीप नाम मैं हूँ वो 1 बजे रात से ही कांवड़िया पथ और रूट लाइन में मौजूद रहता हूँ। जिला प्रशासन के तमाम लोग मौजूद रहते हैं। खासकर आपको विशेष तौर पर ये जानकारी दे दें कि देवघर के एसपी जो सुभाष चंद्र जाट हैं उनकी मैनेजमेंट स्किल का दाद देना पड़ेगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सोमवारी का दिन हो और कतार को अपने मैनेजमेंट के बल पर, अपने प्रबंधन के बल पर, सिर्फ जो कतार 16 से 18 किलोमीटर लंबी हो जाया करती थी उसे महज नंदन पहाड़ तक सीमित रखा गया। और आपको एक और खास बात बता दें, चूंकि आज शीघ्र दर्शनम का सिस्टम जो है वो बंद रहता है, लेकिन देर रात से ही इस सिस्टम को, चूंकि आज भीड़ का दबाव ज्यादा ना बढ़ जाए, चूंकि 2 लाख से ज्यादा कांवड़िया आ चुके थे और उन्हें कतार में घंटों इंतजार ना करना पड़े, इसलिए 11:30 बजे रात तक जलार्पण कराया गया, ताकि भीड़ का जो दबाव है, श्रद्धालुओं का जो दबाव है, कतार लंबी हो जाती है, वो कम किया जा सके। और इसमें कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन काफी सक्सेस दिखी, और यही कारण है कि आज जो कतार है उसकी लंबाई महज सिंघवा में जाकर और कुमेटा में जाकर ये सीमित हो गई है यहाँ पर नंदन पहाड़ के ऊपर। दूसरी तरफ से आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई और यहाँ जो बेहतर प्रबंधन और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था बिल्कुल उसी तरीके से काम किया, और यही कारण है भले ही शिवभक्त पहुंचे थे यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के धाम पर, लेकिन दिक्कतें नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यही कि आप सुगमता पूर्वक आपने दर्शन किया है, और वाकई में जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो एकदम बेहतरीन रही है। अब हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का भी, जो हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या तैयारी है, किस तरीके का उत्साह है, और कैसे शिवमय होते नजर आ रहे हैं शिवभक्त?
देखिए पंकज, आज अंतिम सोमवारी श्रावण का, निश्चित है कि हर कोई भोले बाबा को जल चढ़ाकर कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बनना चाहता है। बिष्टुपुर के गणिनाथ मंदिर में यहाँ पे जो मैथिली समाज के लोग होते हैं वो यहाँ ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। और देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में और बाबा को जल चढ़ा रहे। कहीं ना कहीं आज अंतिम सोमवारी है, इसको लेकर खासा उत्साह है भक्तों में। चाहे आप इस जमशेदपुर के इस मंदिर की बात करें या फिर अन्य मंदिरों की बात करें, सारे मंदिरों का भीड़ ऐसे ही नजारा देखने को मिलेगा, चाहे वो सांची हो, बिष्टुपुर स्टेशन हो, कहीं भी भक्त पहुंच रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और निश्चित है दो सालों के बाद इस बार मंदिरों में इजाजत मिली है बाबा को जल चढ़ाने का, और लोग बाबा को जल चढ़ाकर कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बढ़ रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना पावन कहा जाता है, लेकिन भोले बाबा हर समय, आप भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और बाबा तो इतने भोले होते हैं, जैसे लोग बताते हैं जो पुराणों में लिखा हुआ है कि एक बेलपत्र अगर आप बाबा को चढ़ा देते तो आपको उससे पुण्य मिल जाता है। और शहर की अगर हम बात करें पंकज, तो अन्य मंदिरों में भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई, और कई जगहों पर तो कांवर यात्रा निकाला जा रहा है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी से बहुत सारे मंदिरों में स्वर्णरेखा नदी में जल भरकर लोग मंदिरों तक पहुंचते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। और आज के दिन तो कई ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो शहर में, जो लघुवीर सिंह लखार है भजन संध्या करने के लिए हर हर महादेव सेवा संघ का आज अंतिम सोमवारी के दिन पिछले 21 सालों से होता आ रहा है। तो हम कहें कि पूरा शहर एक तरह से कहें कि भोलेमय हो गया, भक्तिमय हो गया है, और लोग चाहे ये हालांकि तो शिवालय जो होता है वो तो कोई भी शिव जहां पर मौजूद है तो वो उतना ही महत्व रखता है, लेकिन फिर भी जैसे बात करें रांची में पहाड़ी मंदिर का अपने कल महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ तो विराजमान है ही, बाबा बासुकीनाथ भी दुमका में है। जमशेदपुर में ऐसा कौन सा शिवालय है जो लोगों के बीच में आस्था का बहुत ही प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, वो कौन सा शिवालय है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पंकज, शहरी क्षेत्र, अगर शहर की हम बात करें तो शहर में वैसे कोई शिवालय नहीं, एक गोल पहाड़ी का जो मंदिर है, काली की मंदिर है, लेकिन वहाँ लोगों की आस्था है और लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन शहर में वैसा नहीं। अगर हम बात करें थोड़ी से शहर से अलग हटके तो जो हरिणा मेला होता है जो कोटका क्षेत्र में है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे बहुत भक्तों की बहुत आस्था है, वहाँ भक्त ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। हालांकि शहर में उस तरीके से हलेक मंदिरों की अलग अलग अपनी अपनी कहानी है, लेकिन वैसा नहीं है कि एक कोई ऐसा प्राचीन मंदिर हो जहाँ भक्त अपने आप रोक नहीं पाते और मंदिरों पहुँचते। एक कोटका का क्षेत्र है जहाँ पर पुराने प्राचीन मंदिर है, हरिणा का मंदिर है, वहाँ पर भोलेनाथ को लोग बहुत दूर दूर से अपने राज्य के अन्य जिलों से भी पहुँचते हैं, जिसकी मन्नत रहती है वो अन्य जिलों से भी पहुँचते हैं, तो वहाँ भक्त अपने पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर हम मंदिरों की बात करें तो शहर में हर एक मंदिर में भोले बाबा विराजमान है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, हर किसी के अपने अपने क्षेत्र की आस्था होती है। जैसे इस मंदिर में है तो यहाँ पे बिष्टुपुर का क्षेत्र है, तो जो सबसे ज़्यादा एक गणिनाथ है जो मिथिलांचल के लोग होते हैं, मैथिली है या फिर जो झाजी लोग होते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि हर कोई मंदिर में पहुँचने के लिए किसी को रोक नहीं है, लेकिन ज़्यादा संख्या में अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग अपनी आस्था होती है, तो लोग यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच कर बाबा को जल चढ़ा। और सबसे बड़ा बात है पंकज, देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, भव्य शिवलिंग है और बड़ा सा शिवलिंग, क्योंकि जो भक्त पहुंचते, बहुत सारा मंदिरों में देखा गया है कि छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं, भक्त को जल चढ़ाने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है। आप दूर से पूरा घेरा बना हुआ, कहीं से भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और देखिए जो भक्तजन है बेलपत्र बाबा को चढ़ा रहे हैं, निश्चित है हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ जो महिलाएं हैं जो पूजा करके निकल रहे हैं, बाबा को जल चढ़ा कर निकल रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक तस्वीर और इधर भी दिखा देना चाहता हूँ, देखिए भोले बाबा के साथ साथ नंदी भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है, और नंदी भगवान के पूजा में लोग नंदी भगवान के कानों में कहते हैं, ऐसी कहा जाता है कि लोग नंदी भगवान के कान में जो भी अपनी मंशा होती है वो कान में बोला जाता है, नंदी बाबा निश्चित है उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो आप और ये मंदिर का नजारा सामने से देखिए किस तरीके से सुबह के, हालांकि अंतिम सोमवारी और ज़्यादा लोग पहुंचते हैं मंदिरों में, देखिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं पूजा अर्चना कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दो सालों के बाद यह सहयोग मिला, और ये देखिए ये नज़ारा सहयोग कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से नंदी बाबा के कान में बोला जाता है। जो लोग भी बाबा को जल चढ़ाते हैं, नंदी भगवान को बेलपत्र और जल चढ़ाकर नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना को मांगते हैं। निश्चित है आज के दिन जिस तरह सावन की अंतिम सोमवारी, हालांकि सावन खत्म होने में 3-4 दिन है, लेकिन अंतिम सोमवारी है तो लोग की आस्था रहती है कि हर सोमवार में लोग बाबा को जल चढ़ाने पहुँचते हैं, और अमूमन ऐसे महीने भर लोग बाबा को जल चढ़ाते हैं, लेकिन सोमवार का दिन अलग एक महत्व रहता है, और लोग कहीं ना कहीं बाबा को जल चढ़ाने पहुँच रहे, और किस तरीके से लोग
भोलेनाथ की बात करना तो जाहिर सी बात है गुनाह ही होगा, अपने आप में होगा, क्योंकि हम शिव तो हर जगह विद्यमान है, शिव हर जगह है और इतने भोले हैं कि भोलेनाथ कहा जाता है कि प्रेम से भक्ति भाव के साथ कोई भक्त कुछ भी उन्हें अर्पण कर दे तो वो उसे ग्रहण कर लेते हैं, यहां तक कि आप जल भी चढ़ाते हैं उसी से भोले बाबा खुश हो जाते हैं। खैर तो दीप नारायण, अगर हम जैसे कि आप बता रहे कि भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त देवघर में और सोमवार का दिन है, श्रावणी मास, एकादशी की तिथि का भी संयोग बन रहा है शुक्ल पक्ष की, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर हम एक सामान्य भक्त की तरह बात करें कि अगर हम वहां पहुंच रहे हैं तो बाबा के दर्शन और उन पर जलार्पण क्योंकि अर्घा से हो रहा है उसको लेकर लगभग कितना वक्त लग जा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि मैनेजमेंट इस बार बहुत अच्छा है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक सामान्य भक्त की तरह कतार में लगने के बाद जलार्पण करने में लगभग कितना वक्त लग जा रहा है नई व्यवस्था से? देखिए जब कहा जाता है ना कि जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सोना को भी चमकने के लिए पिघलना पड़ता है, तपना पड़ता है, ठीक वैसे ही बाबा भोले के भक्तों के साथ भी है। अगर आप चाहते हैं कि अहले सुबह आप बाबा के दर्शन कर लें, उनको जलार्पण कर लें, तो आपको देर रात में ही खड़े रहना पड़ेगा और आपको 11 बजे के करीब अगर आप कतार में खड़े होते हैं तो आपको तकरीबन 8 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा और ये कतार जो है उसकी लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर की हो जाएगी। अगर एक सामान्य भक्त की तरह देखें कि अगर वो 8 बजे के करीब लगते हैं, जैसे अभी वास्तविक स्थिति की बात कर ले तो अभी कतार की लंबाई महज 2 किलोमीटर है। अब जो भक्त कतार में खड़े होंगे उनको थोड़ी लंबी दूरी जरूर तय करना पड़ेगा, लेकिन मंदिर का रास्ता जो है बहुत छोटा हो जाता है, यानी अब एक भक्त जो है वो 2 घंटे में आराम से पूजा कर सकते हैं। उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, अभी जो कतार है वो बीएड कॉलेज के पास है, बीएड कॉलेज से तिवारी चौक और तिवारी चौक से फिर वो शिवराम झा चौक और नेहरू पार्क से क्यू कॉम्प्लेक्स में इंटर कराया जाएगा और उसके बाद हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, मेरे पीछे जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं जहाँ से वो कांवड़िया कतारबद्ध है, वहाँ से गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है जहाँ पर ये गाय अर्घा के जरिए वहाँ पर इनको जलार्पण है। ये जलार्पण जो होता है 1 मिनट में तकरीबन 100 लोगों को पूजा कराया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि दर्शन और जलार्पण के लिए काफी कम समय मिलता है भोले के भक्तों को, लेकिन गर्भगृह के पास प्रवेश मात्र से ही उनको एक सुख की अनुभूति होती है। दूसरी तरफ से हम आपको एक दृश्य दिखा दें कि ठीक मंदिर के जो विकास द्वार है वहां पर एक अर्घा लगा दिया गया है कि वैसे भक्त जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े नहीं हो सकते हैं, वृद्ध है या फिर दिव्यांग है, तो वो सीधे बाबा मंदिर के इस प्रांगण में दाखिल होंगे और वह अर्घा से ही वो जलार्पण कर सकते हैं, उसमें भी काफी कम समय लगता है। और मंदिर के परिसर में जो ये भीड़ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये उसी के लिए ज्यादा से ज्यादा है। दूसरी तरफ उसके बाद आप पार्वती मंदिर के लिए भी तकरीबन 1 किलोमीटर का ये सर्किल तय करना पड़ता है लोगों को, तो उसके लिए यहाँ पर आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि पार्वती मंदिर के बाहर एक बड़ा पात्र रख दिया जाता है कि जो भक्त यहाँ से नहीं जा पाते हैं अंदर लंबी कतार में, उन वो बाहर इस पात्र में अपना जल डाल सकते हैं और आधे आधे घंटे के अंदर यहाँ के जो पुजारी के जो सेवक होते हैं वो अंदर पार्वती मंदिर में आपका जल विसर्जित कर देंगे। ये है कि देखिए व्यवस्था है, सब कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि आसानी से दर्शन हो जाए तो वो भी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप तप करते हैं, आपको लगता है कि कतार में खड़ा होना चाहिए, तो ऐसे में जो चीजें हैं वो भी आपके पास मौजूद है। और पहाड़ी मंदिर का रुख भी कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवघर की बात हम कर ही रहे हैं, जमशेदपुर की बात भी हम कर ही रहे हैं, अब रांची से पहाड़ी मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा अंजनी। अंजनी क्या तस्वीर है, पहाड़ी मंदिर का भी बहुत खास मत होता है, और देखिए जैसे कि बात लगातार दीपनान कर रहे थे कि अगर हमें कुछ पाना होता है तो कुछ मेहनत करनी होती है, हम भक्त हैं जरूर भगवान को ये बात पता है, लेकिन किस हद तक हम भक्ति कर सकते हैं उसी और किस शक्ति के साथ कर सकते हैं यही भगवान भी देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं। और देखिए ये वजह है कि जो शिव भक्त होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का और फिर भक्ति भाव के साथ जलार्पण भी करते हैं। पहाड़ी मंदिर की स्थिति जानना चाहेंगे, पहाड़ी मंदिर में क्या तस्वीर दिख रही है अंजनी? देखिए पहाड़ी मंदिर की भी जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं
पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए लगातार जो है पहाड़ी मंदिर के मुख्य मंदिर जो है वहाँ वो प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए एक अच्छी व्यवस्था ये है कि आपको मुख्य मंदिर जाने के जो मार्ग है वो अलग है और जब पूजा करने के बाद वापस आने के मार्ग अलग है। यही वजह है कि भीड़ कंट्रोल है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 3:30 बजे से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 3:30 बजे सबसे पहले सरकारी पूजा जो है वो किया जाता है। पंकज ये आज से वर्षों से ये परंपरा है और वो जब सरकारी पूजा और भोले बाबा का जब श्रृंगार समाप्त हो जाता है, महाआरती होती है, तब उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए बाबा का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर में भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और कई ऐसे भक्त हैं जो 365 दिन आते हैं, तो वैसे भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप लोग 365 दिन आते हैं, ऐसा लगता है सावन के समय? बहुत अच्छा लगता है, इस बार काफ़ी भीड़ भी है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। 2 साल के बाद में तो ये 3रा साल हम लोग का है कि हम लोग कर सक रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल था। इस बार कैसी व्यवस्था है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये वैसे लोग हैं, वैसे श्रद्धालु हैं, वैसे शिव भक्त हैं जो लगातार जो है 365 दिन आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो पूजा करने के बाद जो शिव भक्त हैं, और जिस तरह से बताया भी जाता है और तमाम लोग जानते भी हैं, पंकज पहाड़ी बाबा जो है रांची के नगर देवता हैं और नगर देवता का मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। और यही वजह है कि जो शिव भक्त हैं और रांची के रहने वाले जो लोग हैं पूरी आस्था के साथ समर्पण के साथ पहाड़ी बाबा की पूजा करते हैं। भीड़ जरूर है और तमाम लोग जो मुख्य मंदिर में नहीं जा पाते हैं वो इस मंदिर में पहाड़ी बाबा भोले बाबा का दर्शन करते हैं। और जिस तरह से भीड़ है सुबह से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नगर देवता का मतलब पूजा करने के लिए, नगर देवता से अपनी बातों को कहने के लिए भी लोग पहुंचते हैं, तो जिस तरह से भीड़ है आप देख सकते हैं। छोटा बच्चा जो है वो भी पहाड़ी बाबा का मंदिर आया है, तो आप समझिए किस तरह से लोगों की आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहाँ से आए हैं? हम रातू रोड। बड़ा अरे बाबा का दरबार में कैसा लगता है पूछिए ही नहीं, बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा भीड़ कैसा है? बहुत ज़्यादा बाबा का दरबार में आज लास्ट सोमवार में बहुत भीड़ है। तो ये देखिए पंकज अंतिम सोमवार है और ऐसे समय में यहाँ मंदिर में भीड़ जरूर है और चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा व्यवस्था है और वो व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो जो भक्त है, जो श्रद्धालु हैं पूरे आस्था विश्वास के साथ यहाँ, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो पूरे ग्रामीण इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, रांची के अगल बगल का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आते हैं और शहर के अलग अलग क्षेत्रों से तो आते ही हैं और दूसरे राज्यों से भी यहाँ जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि सावन के महीने में पहाड़ी बाबा का दर्शन करना, पहाड़ी बाबा का पूजा करना। देखिए बाहर किस तरह से भीड़ है और सुरक्षा व्यवस्था जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, आरएसएस का जो कैडर है वो यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और सबना समाज से जुड़े जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो पूजा पाठ हो और अन्य जो सहयोगात्मक जो व्यवहार होता है वो देखने लायक होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से पूजा करके निकल रहे हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा भी जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और आस्था के इस सैलाब में हर कोई जो है एक डुबकी लगाना चाहता है और बात करना चाहता है कि यहाँ किस तरह से पूजा पाठ करके लौट रहे, कैसा लगता है यहाँ? हाँ ठीक है, चलिए अंजनी, बिल्कुल बिल्कुल अंजनी आएंगे आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं जमशेदपुर जहां से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो
तो प्रभात, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि भगवान भोले इतने भोले हैं कि हम कुछ भी अर्पण कर दे प्रेम से वो रख ले, तो ये चीज देखने को मिलता भी है। आमतौर पर शिवालय में जाएंगे तो बेलपत्र आपको दिख जाएगा, धतूरा, भांग, बहुत सारे लोग एक समान समान चीजें भी हमने देखा है कि बाबा को अर्पित करते हैं। तो आज के दिन जो आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या क्या वो बाबा को अर्पण करना चाहते हैं और क्या अर्पण करने से बहुत ही वो बेहतर माना जाता है और माना जाता है कि आपने अपने भगवान को जो है वो खुश कर दिया है, भगवान अब आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो किन किन चीजों का इस्तेमाल इस दौरान पूजा में हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पंकज, भोलेनाथ को ऐसी कहा जाता है कि बहुत भोले, भोलेनाथ को कुछ भी चढ़ा दीजिए, जो उनके जो बेलपत्र हो, भांग हो, धतूरा हो या गांजा हो, जो भी होता है वो भोले बाबा को आप चढ़ा देंगे तो भोले बाबा, कोई एक चीज भी चढ़ा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। और सबसे ज्यादा तो एक बेलपत्र भी कोई अगर चढ़ा देता है तो बाबा को अगर सच्ची श्रद्धा से, तो बाबा उनकी मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ पे वही आपको नजारा देखने को, देखिए बड़ा सा शिवलिंग है बाबा के सारों और बेलपत्र जो चढ़ा रहे लोग, बेलपत्र नजर आ हो, और जो बाबा को यहाँ लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में पूजा अर्चना करने, जल चढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो आरती होता आरती भी गाया जा रहा है। तो बाबा को अगर आप एक धतूरा, एक भांग, एक बेलपत्र चढ़ा दे, बाबा उसी में खुश हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि भोलेनाथ ऐसे भी भोले, कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं, और सच्ची श्रद्धा से लोग अगर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, और हर किसी की मनोकामना, इसीलिए बाबा भोलेनाथ पर आस्था लोगों पर जाते हैं, हर भगवान पर आस्था है, लेकिन भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और इसीलिए भोलेनाथ को भोलेनाथ कहा जाता है, शंकर भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से मंदिरों में धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी है, बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना करने पहुंचती है, जो बेलपत्र में उसमें बेलपत्र में लिखती भी है राम राम या फिर शिव भगवान का जो लिखा है ओम नमः शिवाय। देखिए एक महिला बैठ के यहाँ पे बेलपत्र में 108 बेलपत्र को चुनकर उसमें ओम नमः शिवाय लिख रही है। देखिए और देखिए ये बेलपत्र भी 5 पत्र का बेलपत्र दिखा रहे, देखिए अमूमन बहुत कम मिलता है, देखिए बेलपत्र 5 बेलपत्र है, तो ये बेलपत्र अगर आप 3 भी चढ़ाते हैं तो उसकी अलग मौत है, लेकिन बेलपत्र 5 अगर मिल जाए तो भाग्य आपकी कि आप कहीं ना कहीं बाबा आप पे कृपा बरसा रहे। तो ये मंदिर है, आपको मंदिर का भी नजारा दिखा, और ये मंदिर की खासियत ये है पंकज, कुछ मंदिरों में ये जो मैथिली समाज की जो महिलाएं हैं, मिथिलांचल की महिलाएं हैं, वो मिट्टी के शिव भगवान, पार्थी बोला जाता है, मिट्टी के शिव भगवान को बनाती है आज के दिन अंतिम सोमवारी में, और बड़े पैमाने पर महिलाएं पहुंचती है और जो पूजा अर्चना करती है, और खासकर ऐसी सोमवार में कहा जाता है जो कुंवारी कन्याएं होती है, भोले बाबा का आज के दिन उपवास करते हैं कि हमारे को अच्छी पति मिले, मेरा जो मेरा भविष्य वो अच्छा हो, इसके लिए आज महिलाएं जो है, जो कुंवारी जो कन्याएं हैं वो व्रत भी करती है, लेकिन जो महिला है प्रभात, प्रभात, प्रभात दीप नारायण और अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक यहाँ पे हम रुक रहे हैं और वापस आएंगे, फिर से हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज जो भक्त हैं वो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, श्रावणी मास होता है, सोमवार का दिन होता है, पूरी कोशिश होती है कि भगवान से उनका सामना हो जाए, भगवान से उनकी मुलाकात हो जाए और अपने मन की बात भगवान तक पहुंचा दे, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितनी सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, कितने किलोमीटर की लाइन ना लगनी पड़े, लेकिन भक्त ये चाहता है कि वो ये काम करे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।